नमस्कार दोस्तों। श्राद्ध महापर्व अभी 5 सितंबर से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, आप सभी जानते ही हैं। इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। क्या आप श्राद्ध के पीछे का पूरा सच जानते हैं? नहीं तो आइए आज हम आपको बताते हैं। उससे पहले 1 मिनट के लिए अपने चैनल पर चलते हैं। क्या कैसे करें, ये हमारा चैनल है। यहाँ पे हमने 100 के लगभग वीडियो डाली हुई है। आप कृपया एक बार विजिट जरूर करें। अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो उसे जरूर देखें। चलिए बात करते हैं। आगामी 5 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं। कितना जानते हैं आप श्राद्ध के बारे में? मृत्यु तिथि पर किया जाने वाला तर्पण और श्राद्ध पितरों की अक्षय तृप्ति का साधक होता है। तिलांजलि से तृप्त होकर पृत यानी कि पितृ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्राद्ध देवता वसु, रुद्र, आदित्य हमारे श्राद्ध कर्म से तृप्त होकर मनुष्य के पितरों को भी तृप्त करते हैं। याज्ञवल्क्य का कथन है कि रीति रिवाज के अनुसार कराए गए श्राद्ध कर्म से तृप्त होकर श्राद्ध देवता, श्राद्धकर्ता एवं उनके वंशजों को दीर्घ जीवन, आज्ञाकारी संतान, धन, विद्या, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। उन्हें स्वर्ग और दुर्लभ मोक्ष की प्रदान करते हैं। ये देखिए, ऐसे हम पितृपक्ष की सुबह उठ के कौओं को अजमाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि सूर्यदेव के कन्या राशि पर स्थित रहते समय अश्विनी, कृष्ण पक्ष, श्राद्ध पक्ष या माहल्य में पितर अपने वंशजों द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध से तर्पण से तृप्ति की इच्छा रखते हैं। जो मनुष्य पितरों की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध तर्पण करेंगे उनके श्राद्ध से पितरों को 1 वर्ष तक तृप्ति बनी रहेगी। ये देखिए, कोजी महाराज हैं। वैसे हम इनको कभी भी कोई वो नहीं करते, लेकिन उस दिन इनको जरूर बुलाते हैं हम सभी को, ताकि ये हमारे पितरों का श्राद्ध अर्पण करवा सके। ये देखिए, ये गंगा जी में श्राद्ध की वो करवा रहे हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।